दिल्ली से फैसला हुआ कि भाजपा और जदयू बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी तो बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। आप livecities.in देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अक्षय आनंद। अब इस सीटों के फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से तीखा निशाना साधा है नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, एगो बा मास्टर इन चीटिंग एंड भुलकड़ी और दूसरा बा मास्टर इन फेकड़ी एंड फगड़ी। फिर साथ लड़ी हैं, फेरू आपस में लड़ी हैं, फिर साथ लड़ी हैं, फेरू आपस में लड़ी हैं। एगो बा पलटी मार और दूसरा बा कल्टी मार। पहले पलटू अल्टू के जनता अकेले अकेले हरावत रहे, अब दोनों के साथ में हराई। जय बिहार। तो लालू यादव बड़े ही मस्खरे अंदाज में यह ट्वीट लिखते हैं, जिसमें कि पलटी मार और कल्टी मार शब्द वह नीतीश और सुशील मोदी के लिए प्रयोग करते हैं और कहा है कि पहले अकेले अकेले हराती रही है, इस बार एक साथ दोनों को हराएगी। और यह तीव्रता जो आ गई है बयानबाजियों में, उसका नतीजा है दिल्ली में अमित शाह और नीतीश कुमार की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो लंबी मीटिंग के बाद नीतीश कुमार और अमित शाह साथ में खड़े हुए और अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया कि जदयू और भाजपा बराबर सीटों पर लड़ेगी। हालांकि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी इसका ऐलान तो नहीं हुआ। आज चिराग पासवान ने भी कहा कि बराबरी का फॉर्मूले से ऐतराज नहीं, मगर घटक दलों की भी सहमति बनाई जाए तो बराबर सीटों पर लड़ेगी, मगर लोजपा और रालोसपा के हाथ में कितनी सीटें आएंगी इस पर अभी बातें तय नहीं हुई हैं। मगर लालू यादव की यह ट्वीट नीतीश कुमार और सुशील मोदी को घेर रही है और राजद समर्थकों द्वारा ढेर सारे रिट्वीट्स मिल रहे हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, इसी तरह बिहार के तमाम अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया।